हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। 12वीं पास खुद को बताता था फ्लाइट का लेफ्टिनेंट, सैकड़ों युवकों से कर चुका था ठगी। 12वीं पास ठग भारतीय वायु सेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर बेरोजगार युवाओं को भारतीय वायु सेना में एक आकर्षक कैरियर बनाने के नाम पर ठगा करता था। ठग को भारी उत्तरी जिला की साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 100 से ज्यादा युवकों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी की पहचान कमल शर्मा के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से रैंक बेस का एक एयर पिस्टल के साथ पूरा होलस्टर और 5 कारतूस बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के एक मामले के उसके नाम पर गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। आरोपी से वायुसेना और खुफिया तंत्र के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार ने बताया कि लिबासपुर की रहने वाली एक शिकायतकर्ता महिला ने साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के एक शिकायत दर्ज की थी कि शिकायतकर्ता ने कहा कि वह कमल शर्मा नाम के एक व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क में आई, जो वी एलिमिनेट पावर्टी नाउ नाम से एक एनजीओ चलाता था। आरोपी कमल ने खुद को फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बताया था। आरोपी ने उसे भारतीय वायु सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके लिए मामले को सुलझाने के लिए एसीपी यशपाल के निर्देश में एसएचओ रमन कुमार सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर जगदीप नारा, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल मनोज और कांस्टेबल विकास इस टीम में शामिल थे। इन लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुने आप इस मामले पर डीसीपी की बाइट। हाल ही में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसके साथ इंडियन एयरफोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पे 12 लाख की ठगी हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति कमल शर्मा, जो अपने आप को फ्लाइट लेफ्टिनेंट बताता है इंडियन एयरफोर्स में, वो शामिल है और उसने नौकरी पर दिलाने के एवज में इनसे 12 लाख की ठगी कर ली। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला कि यह कोई फ्लाइट लेफ्टिनेंट नहीं है और इसने इस तरह से जो है काफ़ी लोगों के साथ में ठगी कर रखी है। यह एक एनजीओ चलाता है जिसका नाम है वी एलिमिनेट पॉवर्टी नाउ, और जिसके तहत इसने काफ़ी सिटीज़ में यूपी, राजस्थान, हरियाणा की इस तरह की वर्कशॉप बना की हैं, जिसमें ये अपने आप को फ्लाइट लेफ्टिनेंट की तरह साक्षात्कार करता है, बातें करता है, लोगों से मिलता है और फिर लोगों को झांसा देता है कि इंडियन एयरफोर्स में उनको नौकरी दिला देगा। इसके अकाउंट डिटेल्स को जब एनालाइज किया गया तो पाया गया कि इसने करीब 100 से ज़्यादा लोगों से छोटी बड़ी ठगी कर रखी है। इसको फिर बेंगलोर से अरेस्ट किया गया है और ये पाया कि इसने काफ़ी लैविश लाइफस्टाइल ये जी रहा था, काफ़ी सिटीज़ में चक्कर लगाता है, प्लस 2 उसने शादियाँ की हुई हैं और इसके पास से इंडियन एयरफोर्स के स्टैम्प्स, लेटर हेड्स, एक एयर पिस्टल और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। अभी तक इसके 8 अकाउंट अभी तक फ्रीज कर दिए गए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। धन्यवाद।